मोस्ट वेलकम सर। आज हमारे साथ हैं हरितोष सर, जो कि एक वर्ल्ड क्लास पब्लिक स्पीकर हैं, सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, और उसके अलावा एक जो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, उसके एक्सपर्ट हैं, दैट इज़ स्टोरी टेलिंग। ओके, सो वी विल टॉक अबाउट टुडे द फंडामेंटल एंड द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। मतलब स्टोरी टेलिंग क्या है, कैसे काम करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे, और आप इस पॉडकास्ट के थ्रू स्टोरी टेलिंग को सीख के या उसके बारे में जान करके कैसे आप अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं, दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस। सो मोस्ट वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच विवेक, एंड बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम के बाद वी आर कनेक्टिंग एंड यू हैव बीन डूइंग सम ग्रेट वर्क। आई कीप सीइंग योर पोस्ट एंड Instagram एंड LinkedIn, सो या सो एक्साइटेड फॉर दिस वन। थैंक यू सर। सर, आप जैसे कि जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि दुनिया में यदि हमें कुछ भी सबसे तेजी से सीखना है और सबसे जल्दी सीखना है, देयर इज ओनली अ वन वे, जो इतिहास भी गवाह है, दैट इज स्टोरी टेलिंग। और आपने जो अपनी बुक लिखी है स्मॉल टाउन बिगर ड्रीमर, आई हैव रेड टू इट, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्चुअल और स्टोरी टेलिंग के थ्रू आपने उसको लिखा है। और जब मैं उसे पढ़ रहा था तो आपके बचपन से वो शुरू होती है, जहाँ पे आप स्मॉल टाउन बिगर ड्रीमर में लिखते हैं कि बचपन में आप और अपनी आपकी सिस्टर छत पे खड़े हुए हैं और आप एक हवाई जहाज को देखकर कहते हैं, जहाँ पे आप उत्तर प्रदेश के किसी शहर में रहते हैं, गांव में या शहर में, और आप कहते हैं कि एक दिन मैं भी इसी तरीके से सागर के पार जाऊँगा, आप बादलों के पार जाऊँगा, एंड दे से लाइक मतलब जैसे हम हंसते हैं वैसे, एंड यू प्रूव्ड इट, एंड यू आर अ आईटी प्रोफेशनल एंड अ ग्रेट मेंटोर आल्सो फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। और आज आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों को गाइड कर रहे हैं, उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला पा रहे हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो स्टोरी टेलिंग है वो आखिर उसकी शुरुआत कैसे होती है, और इसके पीछे क्या साइंस है कि हम जैसे ही कोई चीज़ स्टोरी के फॉर्मेट में याद करते हैं, जैसे जो भी लोग हमारे साथ इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उन लोगों को एक ही चीज़ याद रहेगी कि आपने बचपन में अपनी सिस्टर के साथ छत पे खड़े होकर कहा था कि आप भी एक दिन बादलों के पार उड़ोगे। सो ये चीज़ किस तरीके से काम करती है और हाउ इट इम्पैक्ट्स टू द ह्यूमन माइंड? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और बिल्कुल सही कहा विवेक, दिस इज अ ट्रू इंसिडेंट, ट्रू स्टोरी, दैट इज व्हाई इट बिकम्स सो पावरफुल। कि इट वॉज 93-94 में था, एंड माई होम टाउन इज इन जौनपुर नेक्स्ट टू वाराणसी, एंड जस्ट लाइक कि अगर ठंडी की दोपहर है एंड धूप है निकल रही है, एंड देर वॉज दिस वाराणसी एयरपोर्ट वेरी क्लोज टू आवर प्लेस, लाइक 30 किलोमीटर्स। तो उस टाइम पे जब भी कोई भी प्लेन वहाँ से टेक ऑफ करता था, वी कुड सी कि ये प्लेन फ्लाई कर रहा है, एंड देर इज वाइट क्लाउड लीविंग बिहाइंड, एंड दैट वॉज लाइक अ ड्रीम टू एक्चुअली ट्रैवल ऑन दोज फ्लाइट्स। एंड सो आई रिमेंबर ऑन दैट afternoon, my sister who was 2.5 years younger to me, I said to her कि देख रही हो वो जो plane दिख रहा है ना, एक दिन मैं भी इसी तरीके से जहाज में जाया करूँगा। And then there was a pause for maybe 20 seconds, and then both of us started laughing because there was no way possible for me or for us to think in those terms, from the background that we come, it was not right at all, practical ki nahi nahi hum karenge. We were from a very middle class family, there was no way, and I did not know ki main kya karne wala hu life mein. I mean, you are in class 4th and 5th, to tum kya hi kar loge, kya hi jaan loge tumhari life ke bare mein, but it was just, I think I was like, I now believe in manifestation and talking to universe. I think I was telling that to universe ki aisa karna hai tumhe agle 15-20 saalon ke baad, and that is exactly what happened. And
Yes, for the last 17 years, I have worked. Right, और ये चीज़ सर हम सब के साथ होती है, मतलब जैसे मैं भी अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर को कुछ भी बोलता हूँ ऐसा जो उसे लगता है कि इम्पॉसिबल है, एंड दे जस्ट लाफ, हाहा ठीक है देख लेंगे. बट हाँ, राइट, दैट इज यू आर टॉकिंग अबाउट. आई हैव सीन दैट हैपन. आई वुड से कि लाफ विद देम, बट डोंट लाफ एट योर ड्रीम्स. उनके साथ हंस लो, आई मीन हैव फन, ऐसा नहीं कि हंसना नहीं है, बट अपने अपने सपनों का मजाक मत उड़ाना कभी. वाह, राइट. बिकॉज अगर तुमने अपने सपने का मजाक उड़ा दिया तो कोई भी मजाक उड़ा सकता है. यू हैव टू बिलीव इन योर ड्रीम्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, एंड दिस इज फॉर ऑल द ऑडियंस. वॉट एवर इज योर ड्रीम्स, डू नॉट मेक फन ऑफ योर ड्रीम्स. एट लीस्ट यू डू नॉट मेक फन. आई वुड लाइक टू आस्क यू. हाँ जी, डेफिनेटली सर. मैं आपसे एक चीज़ जो जानना चाहूँगा कि आपने उस छोटी सी स्टोरी को एक बड़े ड्रीम में कैसे कन्वर्ट किया, एंड हाउ यू टुक टू दैट. मतलब एक चीज़ होती है ना कि यार इसने तो मेरा मजाक उड़ा दिया, तो कई सारे लोग होते हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, बट आप उस सिचुएशन से अपने आप को, आप स्टोरी से कैसे एक फ्रेम में सेट कर पाए, मतलब जो थॉट आपने सोचा उसको आप किस तरीके से रियलिटी में कन्वर्ट कर पाए. आई वुड लाइक टू नो अबाउट द स्टोरी ऑफ योर जर्नी. द स्टोरी ऑफ माई जर्नी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड लाइक आई सेड, जो मैंने बुक में भी कहा था, स्मॉल टाउन बिगर ड्रीम्स, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन. एंड हम सब के अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है, वी डोंट इवन नो व्हाट वी आर केपेबल ऑफ, राइट. सो हमारे अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, वी जस्ट हैव टू चैनलाइज अवर एनर्जी. सो वन थिंग केप्ट हैपनिंग आफ्टर अनदर. I would say I was good at studies, so I got into a good, decent engineering college. I didn't get into any government college and all of those things, but I got into a decent college, and there also I ensure that I am part of the top 5% of the student. And this is the key for anyone, whichever field you want to grow, you have to get into top 5%, because they are the ones who are getting that. From there I got placement, I got into a company, and much before I went out of India, which was in 2015. I had multiple offers and I kept rejecting because I wanted to stay very close to my family. But then when the family said no, you should explore, that's when I started exploring and all of these things manifested. So the key here is that like I said, do not make fun of your dreams, and then constantly, there are 21 principles that I share in the book, and one of the principle which has been very very helpful for me is the chapter 2 of the book, which is called Shamelessly Seek Mentors. And what I mean is that a lot of us, कि हमें किसी से हेल्प लेनी होती है, कोई हमें पता है कि कोई हमें हेल्प कर सकता है, बट हम झिझकते हैं कि वो क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा. बट वन थिंग इन माई लाइफ हैज बीन दैट, अगर मुझे लगा कि कोई सीनियर या कोई ऐसा पर्सन जो मेरी हेल्प कर सकता है, जो मुझे गाइड कर सकता है, आई केप्ट दैट सेम आउट ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट, एंड आई वेंट टू देम एंड आई आस्क्ड फॉर हेल्प, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस पीपल हेल्प. And the thing is, most of the people are generally right, definitely. जैसे जब मैं आपको अप्रोच किए पॉडकास्ट के लिए, तो वन थॉट वॉज इन माई माइंड कि शुड आई डू दैट, मुझे ये करना चाहिए, क्या वो येस करेंगे भी या नहीं, बिकॉज दे आर अ वेरी बिजी पर्सन, तो क्या उनके पास टाइम होगा भी, क्या वो बताएंगे भी, या उन्होंने आंसर नहीं किया. देयर पास मैनी थिंग्स. सो एक चीज़ होती है ना, आपने बताया कि हम अपने पास्ट बिलीफ्स या कुछ चीज़ों के साथ में बंधे होते हैं, और कहीं ना कहीं जैसे आपके फैमिली ने कहा कि यू हैव टू एक्सप्लोर, मतलब कि उन्होंने आपको ये परमिशन दी कि आप जाओ, मतलब आप जो जीवन का युद्ध है उसमें उतरो, हारो या जीतो डजेंट मैटर, लेकिन घर बैठे रहोगे तो आक्रमणकारी आपके घर पर आके आपको ख़त्म कर जाएंगे. राइट, सो दैट इज़ द मेन थिंग, डेफिनेटली. और कहीं ना कहीं सर ये जो स्टोरीज होती हैं हमारी ज़िंदगी में,
वही हमें इंस्पायर करती हैं और वही हमें ट्रांसफॉर्म भी करती हैं, यू नो, चाहे वो हमारी अपनी स्टोरी हो या वो किसी और की स्टोरी हो. स्टोरी इज अ वन थिंग दैट इंस्पायर्स टू अस. ओके, सो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि ऐसा वो कौन सा एक ट्रिगर पॉइंट है स्टोरी टेलिंग का, बिकॉज यू आर एक्सपर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, जो हमारे माइंड को ट्रिगर करता है. और यदि जीवन में हमें कभी भी अपनी स्टोरी कहीं पर रखनी है या सुनानी है, दैट व्हाट इज द मेन थिंग वी शुड रिमेंबर, कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकती है कि हम उस मोमेंट को मेमोरेबल बना पाएं किसी के भी लिए. Very, very good question, Vivek, क्योंकि this is where lot of people actually make mistake. लोगों को लगता है कि अगर हम कहानी सुना रहे हैं या स्टोरी बता रहे हैं, आई हैव टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, आई हैव टू बी द मोस्ट सॉर्ट आउट पर्सन. द आंसर इज नो. एक्चुअली लोग उस कैरेक्टर से ज़्यादा रिलेट करते हैं जिसको वो पता है कि ये शायद नहीं कर पाएगा. Why I share that story, जो फ्लाइट वाली शेयर करता हूँ, एंड मी एंड माई सिस्टर वेर लाफिंग, इज ऑफकोर्स दैट इज द ट्रूथ, बट ऑल्सो बिकॉज देन पीपल कैन रिलेट. लाइक यू सेड कि जब भी मैं कुछ ऐसी बड़ी बातें करता हूँ, माई फैमिली मेम्बर्स लाफ विथ मी बिकॉज ये शायद पॉसिबल नहीं है या ये कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है. वॉट आई डिड वॉज आई एक्चुअली रिलेटेड माई कैरेक्टर विथ लॉट ऑफ कैरेक्टर इन द पीपल, लॉट ऑफ real stories of the people. So one of the cardinal rule in storytelling is your characters have to be relatable. Agar main Ambani ke ghar ki baatein karunga ya fir Bill Gates ke ghar ki baatein karunga, those are inspiring stories, but wo itni inspiring nahi hongi jitni main apni khud ki baatein karunga. Main apne khud ke true emotions portray karunga, main apne challenges bataunga, maine kaise usko overcome kiya, kya kya चीज़ें करनी पड़ी, क्या क्या स्ट्रगल गो थ्रू करना पड़ा, और जब मुझे सक्सेस मिला तो मुझे कैसा लगा. व्हाट यू सी हियर इज टू थिंग्स, वन इज ऑथेंटिसिटी, योर स्टोरीज हैज़ टू बी ऑथेंटिक, एंड अदर इज द इमोशन पार्ट ऑफ इट, कि वो हर पॉइंट पे वी आर डीलिंग विद इमोशंस. तो जो अच्छे स्टोरी टेलर्स होते हैं, दे विल कीप टेलिंग यू अबाउट नॉट ओनली व्हाट इज हैपनिंग बट ऑल्सो द इमोशन दैट कैरेक्टर्स आर गोइंग थ्रू. बिकॉज अगर इमोशंस नहीं हैं देन योर स्टोरी बिकम वेरी वेरी ड्राई. अगर सिर्फ बता दूँ हाँ स्ट्रगल था, जीत लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, इट्स नॉट इंटरेस्टिंग, बट व्हेन आई टेल यू कि उस टाइम पे मुझे कैसा लगा, तो देन इट बिकम्स मोर रिलेटेबल. यस, एंड दिस इज द यू सेड अबाउट, दिस इज द मेन थिंग, कि जब हम एक कोई मूवी देखते हैं, यू नो, हमें पता है कि जो विलेन है, जो लड़की के पेरेंट्स हैं, वो बहुत ही रिच हैं, एंड जब मज़ा आता है ना कि एक जो पुअर, मतलब जो गरीब हीरो है, वो जाएगा, वो लड़की को पसंद करेगा, एंड अपनी डेयरिंग के साथ उसका हाथ पकड़ के और उसके फादर से लड़ेगा, एंड इस फादर उसको मरवाने की कोशिश करेंगे, उस पर आक्रमण करेंगे, एंड दे वॉन्ट्स कि हम अपनी लड़की को तेरे साथ नहीं जाने देंगे, एंड वो स्ट्रगल करता है, फाइट करता है, और उस टाइम पे हमें मज़ा आता है. यू नो, उस समय पे कोई बड़ा गुंडा आके यदि उसके पापा से वो लड़की को छुड़ा के ले जाता है तो उतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पावर्स हैं. बट वो हीरो जिसके पास पावर्स नहीं हैं और वो जब कुछ जीतता है, दैट इंस्पायर्स टू अस, दैट यू सेड कि हम जब बिल गेट्स की स्टोरी सुनते हैं तो इतना मज़ा नहीं आता, जबकि हम सुनते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है या हम खुद हैं जो ऐसी सिचुएशन है, हमारी एक ऐसी स्टोरी है जो रिलेटेबल है, जो बहुत ही इंस्पायरिंग है, तो उससे लोग ज़्यादा इंस्पायर होते हैं. यू नो, डेफिनेटली सर, जब भी हम किसी सभा में जाते हैं, किसी भी ऑडिटोरियम में जाते हैं, और जब हम कोई स्टोरी सुनाएंगे और मैं कहना शुरू करता हूँ कि एक व्यक्ति ऐसा था जो पढ़ने के लिए बहुत लालायित था, इतना कि उसने अखबार तक बेचना शुरू किया, और उसके अलावा वो रेलवे स्टेशन पर कई जगह पे काम करता था, और ऐसे कर करके उसने अपनी पढ़ाई पूरी करी एंड बिकम अ साइंटिस्ट, दैट इज अब्दुल कलाम. लोग इंस्पायर होंगे डेफिनेटली, राइट, बट दे हैव लिसन टू इट मैनी टाइम्स. बट व्हेन आई विल से दैट देयर वॉज अ ब्लेज that was very far from the city, and
a boy which was very weak in the study lives in that village. और इसको सुन के जो लोगों के अंदर इंस्पिरेशन आएगी, जब हम अपनी खुद की चीज़ को इस तरीके से रिलेट करते हैं, तो दैट इज़ अ ग्रेट पॉइंट यू सैड अबाउट कि रिलेटेबल होना ज़रूरी है. राइट, ओके. एंड सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन स्टोरी एंड आवर माइंडसेट. मतलब स्टोरी होती है जो कई बार हमें इमोशनल कर देती हैं, कई बार हमें रुला देती हैं, हंसा देती हैं, हम गीत गाने लग जाते हैं. सो हाउ दीज इमोशंस ऑल इम्पैक्ट्स टू स्टोरी टेलिंग और स्टोरी टेलिंग इम्पैक्ट्स टू दोज. करेक्ट. मेरी स्टोरी टेलिंग और माइंडसेट का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा पुराना है. इतना जस्ट बिकॉज सर, मैं ये चीज़ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कोई व्यक्ति जो एक बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है, या जो ज़िंदगी से हार चुका है, या जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं बची है, हाउ वी कैन शो टू दैट दैट स्टैंड अप, यू कैन डू इट. सो दिस इज़ द मोस्ट थिंग वेयर आई एम आस्किंग टू यू, विच आई एम आस्किंग टू यू, कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं उस टाइम पे, या माइंड किस तरीके से कनेक्टेड है कि हम उसकी माइंड सिचुएशन को चेंज कर पाए. सो अगेन जस्ट एक डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम नॉट अ डॉक्टर. सो व्हाट एवर एडवाइस आई एम गोना गिव, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर डूइंग योर ड्यू डिलीजेंस देन ब्लाइंडली फॉलोइंग मी. बट आई बिलीव देर आर, हम दो तरीके की स्टोरीज करते हैं. एक स्टोरी जो हम बाहर दुनिया को बताते हैं, बट देर इज ऑलवेज अ स्टोरी जो हम खुद को बताते हैं. जो बाहर की स्टोरीज हैं उस पर हम बहुत बार काम करते हैं, उसको बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, बट जिस पे सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है वो है द स्टोरीज वी टेल आवर सेल्फ. एंड हाउ डू वी बेटर दैट इज दैट इवन इफ यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन, एंड आई अंडरस्टैंड वी ऑल हैव बीन थ्रू अप्स एंड डाउन्स, यू हैव टू फाइंड दोज मोमेंट्स कि आज मेरी लाइफ में क्या तीन चीज अच्छी हुई. सो आई हैड अ क्लाइंट, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. एक मेरा क्लाइंट है, ही स्टिल अ क्लाइंट, एंड ही वाज गोइंग थ्रू सम सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, नॉट एग्जैक्टली डिप्रेशन आई वुड से, एंड ही वाज हैविंग लॉट ऑफ दीज थिंग्स. सो आई गेव हिम एन एक्सरसाइज व्हिच आई थिंक द ऑडियंस कैन ऑल्सो डू, इज कि एवरी डे व्हेन यू गो टू स्लीप, रिगार्डलेस ऑफ हाउ योर डे हैज बीन वेरी बैड एंड painful and whatever it is, force your mind to write three good things that happened through the day. You can write, you can send yourself a voice note. Three good things. Three positive, three good things that happened. And when you force yourself, shuru mein if you are going through some bad phase, it's going to be challenging. It's going to be difficult ki how do I find three good things, right. And but actually even if you are breathing, it's a good thing. Because millions of people did not wake up and they took their last breath last night. So you actually wake up. That's congratulations, you are still alive. Very good. That's a one good thing, right? If you have most of your organs working, that's another good thing. And this is very simple things. You get to eat, you get to share something with someone. And if you start finding that, you know, there is a phenomena called RAS. Which means reticular activation system. So let me ask you to do something. Experiment करें अभी विवेक. Okay, definitely. ठीक है. तो I want you to look for three red things in your place. जहाँ पे भी अभी तुम हो, तीन red चीजें दे. Can you find three red things? Yes. Got it. Now when you were looking for red things, did you see any green things? Probably nahi notice kiya hoga, don't worry. Not completely with focus. Right, because your focus was on the red thing. I looked only for red. You looked only for red. Right. That is the point of it. When you looked for what only red things, you find red things. And if you now look for green things, you will find green things. You look for blue things, you will find blue things. Right. So, hamara dimag is tarah kaam karta hai ki we need to give it
instruction. When you say ki find out three good things that happened, it will find out three good things and maybe more. And this exercise, when you keep that doing is like it, genie. It is genie. It is genie, the biggest genie in the world that is inside us, right? So when you start recording good things, like wow, itni sari cheeze I am grateful for, itni sari cheeze ho rahi hai, so even if I am going through some tough time, I think there are still good things happening. And that is where you are changing the gear towards building a better story that you are telling to yourself. And agar wo story better kar liya, to fir after stories to better ho jati hai. Uske liye to tools, techniques, frameworks, bahut sare elements hain. But pehle, because the question was, how can stories help somebody who is going through certain things in life, improve your story, what you are telling to yourself. Wow, wonderful. So you said about reticular activation system. That means our mind is like jinn. That is asking for jo hukum mere aka. Matlab, aap mujhe instructions do. But we forget to give instructions. Matlab, hum usse instruction dena hi bhool jate hain. Hum ye samajhte hi nahi hai ki hum usse kya action de rahe hain. क्या हम उसे कमांड दे रहे हैं, और कई बार हम अपने आप से ही कमांड देने रहते हैं. हम एक स्टोरी बना लेते हैं, मैं तो इतना गरीब हूँ, मैं तो इतना पुअर हूँ, मैं तो इतना छोटा हूँ, मैं तो अभी एक इतना बड़ा कोच भी नहीं हूँ, फिर हरितोष सर मेरे साथ पॉडकास्ट कैसे कर सकते हैं, वो तो मतलब फॉरेन में रहते हैं और हमेशा बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्ट करके रहते हैं. सो वी ऑल थिंक्स अबाउट दैट. और ये चीज़ जो होती है वो हमें प्रयास करके रोक देती है प्रयास करने से. एंड दैट इज़ द ग्रेट थिंग यू सैड कि लुक फॉर द पॉजिटिव्स. मतलब कि हमें सिर्फ कमांड देना है अपने माइंड को एंड दैट कमांड विल क्रिएट अ स्टोरी कि जो भी हम अच्छा बोलेंगे. एंड सीधी सी बात है सर कि यदि हमारे पास लेट्स सपोज कि एक खाली डिब्बा है एंड हम इसे भरना चाहते हैं और हमारे पास वी हैव टू ऑप्शंस टू पुट इट फ्रॉम सैंड टू फिल इट फ्रॉम वाटर. और हम जो भी भरेंगे वो हमारे लिए ही होगा. सो दैट्स अ ग्रेट पॉइंट यू सैड कि हम अपने माइंड में जो चीज़ डालेंगे वही जब हम उसे ओपन करेंगे थिट पॉट टू इट वो उसी को बाहर निकालेगा. दैट्स अ ग्रेट थिंग सर. वाओ. एंड सर अब मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी का ऐसा कौन सा मोमेंट है, ऐसी कौन सी ऐसी स्टोरी है जिसने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया एक कोच बनने के लिए, एक ट्रेनर बनने के लिए. जस्ट बिकॉज एज आई नो यू आर ऑल्सो अ प्रोफेशनल IT प्रोफेशनलिस्ट बट यू आर ट्रेनिंग टू पीपल. सो वट इज़ द एसेंस बिहाइंड द कोचिंग एंड ट्रेनिंग एंड वाई यू चूज टू इट. एंड यू हैव ऑल्सो रिटन योर बेस्ट बुक एवर. सो हाउ यू डू दैट एंड How you get inspiration for that? Thank you. So, थोड़ा सा विवेक इसमें थोड़ा सा अपडेट देना चाहता हूँ. Maybe I think I didn't communicate. 2-3 updates are there. Number one कि मैं वापस इंडिया आ गया हूँ first of all. So I am no longer in the UK. I am now back in India. Number two is मैंने अपना corporate career छोड़ दिया है, which means that now I am a full time storytelling and public speaking course. Wow. So that means ab aur zyada logon ki zindagi badalne wali hai. Right. But that is a story behind this. Why I felt ki main ye kar sakta. So now you know the context. Now I'll tell you the story behind it. Because you have been following my journey. You know I've been doing it for some time. And for many years, yes. Maine isko part time kiya, weekend pe kiya, office ke pehle, office ke baad kiya. And there was one Saturday where I was doing this for part time, and I remember I was in the UK and I was in my room and I was sitting on the same chair since morning around 5:36 AM till 6 PM, almost 12 hours. Okay. छोटे मोटे ब्रेक के अलावा मैं लगातार मैं
खुद का कोचिंग कर रहा हूँ, उन लोगों का सेशन अटेंड कर रहा हूँ, वर्कशॉप कर रहा हूँ, एंड देन डूइंग सम इंटरव्यूज में थ्रू आउट द डे ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली 12 आवर्स कर रहा था. सो मच सो दैट कि बाय द एंड ऑफ 12 आवर्स माई बैक माई हिप्स वेर एक्चुअली इन पेन. सो फिजिकली आई वॉज इन पेन बट मेंटली आई वॉज सो एक्साइटेड. आई वॉज कम्प्लीटली अलर्ट एंड आई वॉज लाइक आई कैन डू इट फॉर 3-4-6 आवर्स मोर. एंड दैट वॉज द डे आई रियलाइज कि दिस इज द थिंग दैट आई वॉन्ट टू डू. बिकॉज इवन आफ्टर डूइंग फॉर 12 आवर्स आई एम स्टिल एक्साइटेड. आई स्टिल वॉन्ट टू डू. वॉट हैपन्स इज कि मोस्ट ऑफ अस हैव दिस डिफॉल्ट बिहेवियर वेर यू गेट इन टू अ जॉब, यू गेट इन टू समथिंग दैट यू वॉन्ट टू डू, यू वॉन्टेड टू डू समथिंग. बट नाउ यू आर इन टू दैट फेज जहाँ पे वो इट इज things are going in a way and you do not care too much that passion और जिसे हम कहते हैं कि कुछ ऐसा जिसको आप कोई पैसे आपको ना दे, आपको खाने का भी होशो आवास ना हो और आप करते जा रहे this is like that, right? Correct. So exactly. So this is when I realized that I really love coaching. And you know what happens is Steve Jobs ने कहा था कि you cannot connect the dots forwards but you can always connect the dots backward. So you have to have a trust ki aage jaake dots connect honge. And what I mean by that, maine phir sochna start kiya. So actually since childhood I really loved teaching. Chuttiyon mein main apni copies khud hi check karta rehta tha. And even during engineering, lot of people actually used to come and I used to help everyone who comes to my hostel or in college for free just because I like to share what I know. And even during my corporate career I've mentored and coached many professionals from different parts of the world. So when I realized ki yes, this is what I really like, that's when things changed for me. So that's my story of why I found out that this is what I really want to do. And I decided after a certain point of time I did some planning. So it was not a one day call, but after the planning I am now back in India. I am now doing it full time. Wow, that's great. Aur kahin na kahin sir maine ek movie mein ya kisi se suna tha ki India ke jo top most successful ya top potential log hain they are in foreign because there is many opportunities. But I am realizing that this is the Amrit Kaal where India will be grown and you are also a part of it now. जहाँ आपने सोचा कि मैं अपने इंडिया के लिए कुछ करूँगा. डेफिनेटली सर, जब आप जैसे मेंटोर्स हमें गाइड करेंगे, हमारे इंडिया के यूथ को, हमारे लोगों को जब डायरेक्शन देंगे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, क्योंकि आप ऑलरेडी फॉरेन में काफ़ी समय तक रहे हैं, वहाँ पे आपने प्रॉपर वर्क किया है, वहाँ के पूरे जो इकोसिस्टम है उसको समझा है, एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प आवर पीपल टू ग्रो इन देयर लाइफ. कि आई एम ऑन अ मिशन टू एम्पावर 1 million पीपल मोस्टली इंडियंस बाय द ईयर 2035 इन हेल्पिंग देम डिस्कवर देयर वॉइस एंड कॉन्फिडेंस. सो दैट इज माई मिशन विच आई एम टेलिंग एवरीवेयर आई गो एंड टॉक टू. बिकॉज इफ यू आर ऑन अ मिशन यू नीड टू इट. यस डेफिनेटली वी आर ऑल्सो विथ यू सर इन दिस विजन. और डेफिनेटली सर, जिंदगी में यदि हमारे पास कोई विजन ना हो तो कहते हैं कि एक बार हेलन केलर से पूछा गया कि आपके पास तो आंखें नहीं है तो फिर आप अपनी जिंदगी इतनी खुशी से कैसे जी लेते हैं और आपको अंधापन महसूस नहीं होता. तो वो बड़ी खूबसूरती के साथ कहती हैं कि अंधे वो नहीं है जिनके पास आंखें नहीं है, अंधे तो वो हैं जिनके पास आंखें होते हुए भी विजन नहीं है. That's a great thing, सर, कि जिंदगी में यदि विजन है तो जिंदगी का मजा ही कुछ और होता है, क्योंकि वो जो अंदर से एक इंस्पिरेशन आती है खुद से. क्योंकि आई हैव ऑल्सो डूइंग जॉब फॉर 2-3 months जस्ट फॉर ट्रायल कि चलो जिंदगी में पहली और आखिरी बार जॉब करके देखते हैं कैसा होता है.
आई वॉज गोन थ्रू विथ माई फ्रेंड एंड ही सेट दैट विवेक हे प्लीज ज्वाइन विथ मी. सो ओके जस्ट करके देखते हैं यार क्या ही जा रहा है. नुकसान तो है नहीं, मतलब समय ही नहीं दे पाएंगे अपने काम में और क्या होगा, बट लेस्ट एक्सपीरियंस टू इट. क्योंकि जस्ट बिकॉज कि आगे जाके कॉरपोरेट्स में ट्रेनिंग देने के लिए ऑल्सो दैट विल हेल्प कि एक जो एम्प्लॉय होता है उसकी लाइफ कैसी होती है, वो किस फेज से गुजरता है. बिकॉज कहना बहुत आसान होता है बैठ करके, बट उस फेज में उस चीज़ से कैसे अपने आप को बाहर निकालना है एंड वहाँ पे रहते हुए, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट्स द ग्रेट थिंग्स है जो आपने बताई एंड दैट्स ऑल्सो ग्रेट. अब सर मैं आगे जो आपसे सवाल पूछने जा रहा हूँ वो ये है कि इंसान ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है, यहाँ तक कि उसे पता है कि उसे क्या करना है और उसे ये भी पता है कि कैसे करना है और उसे ये भी पता है कि लगभग इसका रास्ता कैसा होने वाला है या कौन सा इसका रास्ता होने वाला है, बट स्टिल ही इज ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर नोइंग ऑल दिस थिंग्स. सो व्हाई दिस हैपेंस और एक इंसान ऐसा क्या कर सकता है कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एंड पॉइंट बन जाए उसकी लाइफ में. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में, तो आई सी कि मैं क्या क्या प्रेजेंट कर सकता हूँ. बट डू यू नो कि बहुत सारे, बिकॉज यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, ऑलमोस्ट 95% ऑफ देम एक्चुअली क्विट बाई सेकेंड और थर्ड ईयर. Only 5% or so survive after 3 years. It's very true, sir. I am also in the field and I can deeply feel to it. Right. I know that. And the reason is because Warren Buffett se ek baar poocha gaya, and I'll take it to some other context and we'll come back to it. Ki aap itne sare investor hain duniya mein, बट आप इतने बड़े इन्वेस्टर हो, आपके पास इतना सारा धन है, बाकी इतने सारे इन्वेस्टर क्यों इतने धनी नहीं है, ऐसा क्या आपने किया है जो उन्होंने नहीं किया है? तो वॉरेन बफेट ने जो जवाब दिया वो जवाब सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए नहीं, वो हर फील्ड ऑफ लाइफ के लिए एप्लीकेबल है. चाहे आप ट्रेनर हो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप कोच हो, एंटरप्रेन्योर हो. ये जो आंसर वॉरेन बफेट का था, आई थिंक वी ऑल शुड रिमेम्बर, एंड द आंसर वॉज कि वॉरेन बफेट ने कहा कि हर कोई ओवरनाइट मिलियनेयर बनना चाहता है, बट मुझे स्लो मिलियनेयर बनना था, विच मीन दैट आई एम नॉट इन अ हरी. अ लॉट ऑफ टाइम वी आर इम्पेशेंट अबाउट रिजल्ट बट वेरी पेशेंट अबाउट एक्शन. बट इट शुड बी अदर वे अराउंड, जहां पे You should be very, very patient about the results, right? My YouTube channel took me almost 4 years to reach 1,000 subscribers, but I am like still posting once in a while, right? And I know so many people. So lot of people have no patience when it comes to result, but they are very patient when it comes to taking action. And life mein wo log successful hote hain jo ki एक्शन लेने के लिए इम्पेशेंट है. दे आर नॉट केयरिंग कि मेरा बैकग्राउंड परफेक्ट है कि नहीं है, मेरे चेहरे पे सही लाइट आ रही है कि नहीं आ रही, मेरा माइक्रोफोन से आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही है, मुझे पता है कि नहीं पता मुझे क्या बात कर रहा है, राइट. एंड वो उसके बाद वो वीडियो ऑन भी नहीं करते, दे डोंट इवन रिकॉर्ड देयर फर्स्ट वीडियो और देयर फिफ्थ वीडियो और देयर 100th वीडियो. बट वेरी ट्रू, जो पर्सन जो फर्स्ट वीडियो 100 वीडियो 1000 वीडियो करता रहता है, दैट पर्सन बिकम सक्सेसफुल. सो अगर लाइफ में यू हैव टू अचीव समथिंग बिग, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विद द रिजल्ट्स, बिकॉज रिजल्ट ऐसे नहीं होते हैं कि इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू योर एफर्ट. समटाइम यू बिकम, एंड दैट वॉज अ कोट बाय नारायण मूर्ति, एंड ही सेड दैट आई डोंट अग्री टू लॉट ऑफ थिंग्स ही सेड, बट दिस वन आई अग्री इज दैट You work for decades and then you become an overnight success.
So this is how life is. So you have to keep working and impatiently and do a lot of work without expecting anything in returns. And then suddenly you will start getting what you always wanted. Right? And it relates to and, our Bhagavad Gita as well, which I know you do a lot of sessions also. So I'll let you take that Bhagavad Gita part and then we'll talk about other things. Yes. Definitely. So, ऐसे यस सर प्लीज या सो जो भगवत गीता में कहता है कि कर्मणैव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इट इज बेसिकली आवर एंशिएंट फिलॉसफी आवर एंशिएंट ऑल दीस बुक्स हैव सो मच ऑफ नॉलेज ऑफ लाइफ लेसंस एंड वी आर रिस्पांसिबल फॉर आवर एक्शंस वी आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर रिजल्ट्स इफ वी पीपल फॉलो दिस then they will not worry about results and then they will keep doing what they are supposed to do. That's wonderful. Very true, sir. And this is amazing. Or I can remember jo Warren Buffett ji ne kaha na, usse koi bhi agree nahi karega. Do you know kyun? Are jab main boodha ho jaunga, marne wala hoonga, tab millionaire ban ke kya karunga? But jo prasiddhi कोई अपनी जिंदगी में प्राप्त करता है हासिल करता है उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने हासिल की जस्ट बिकॉज ऑफ पेशेंस. एंड आई कैन रिमेंबर कि कई बार मुझसे ऐसी गलतियाँ होती है जहाँ पे मैं ये सोचता हूँ कि अरे इस महीने इन्वेस्ट नहीं किया, अरे एक साल बाद उस का पूरा इन्वेस्ट कर देंगे, अरे 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर देंगे. आई नेवर थॉट कि मुझे 50 साल के लिए इन्वेस्ट करना है. Also, I am a motivational speaker, but I am not a person of untruth. Right, we all are human. So, ultimately, we all are human. Right. So, कहीं ना कहीं ये चीज़ आती है कि नहीं, जब तक मैं 40 साल का हूँगा ना, मुझे बहुत मतलब लगभग 500,000 crore इतना तो बना लेना है. और ये मेरे को चाहिए ही चाहिए. और जब when it comes to investment, then on the SIP. तो मैं कितना इन्वेस्ट करूं कि मेरे पास 20 साल में 1-5 crore रुपए हो जाए. यू नो जस्ट लुकिंग फॉर 20 years और नॉट लुकिंग फॉर 40-60 years. एंड दिस इज वेरी ट्रुथ कि हम सभी इम्पेशेंट हैं हम सभी किसके लिए, रिजल्ट्स के लिए, बट वी आर नॉट इम्पेशेंट फॉर एक्शंस एज यू सेड. और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जिंदगी में वो लोग सबसे ज़्यादा सफल होते हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा धैर्य होता है. एज यू नो जब अखंड भारत का निर्माण हुआ, सो चाणक्यबाज वेरी ग्रेट टैलेंटेड मेंटोर टीचर गाइड, जब उनका अपमान किया गया धनानंद के द्वारा इतनी बड़ी राज्यसभा में, एंड दे टुक अ प्रतिज्ञा कि मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा जब तक तेरा विनाश नहीं कर दूंगा. एंड वो उतावलेपन में नहीं आए, उन्होंने कुछ ऐसा वैसा कदम नहीं उठाया. दे विकम पेशेंट. उन्होंने एक छोटे से 5-6 या 10 साल के लड़के को 10-15 साल तक तैयार किया, उसको हर प्रकार की रणनीति सिखाई, अपनी खुद की सेना तैयार करने में समय लगाया. बिकॉज दे नो एज यू सैड द कॉट ऑफ नारायण मूर्ति कि उन्होंने डिकेड्स तक तैयारी करी ओवरनाइट सक्सेस के लिए. एंड दैट इज अ वेरी ट्रू पॉइंट कि अगर हमें ओवरनाइट सक्सेस चाहिए तो डिकेड्स तक तैयारी करनी पड़ेगी. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंस्पायरिंग पॉइंट यू टुक हियर. डेफिनेटली सर. वाह एंड वेरी ग्रेट कन्वर्सेशन सर, आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है. और अब मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि इंडिया में आप कोचिंग एंड ट्रेनिंग के करियर को लेके अपना क्या थॉट प्रोसेस या बिलीफ रखते हैं, और क्या हम अपने इंडिया को कोचिंग और ट्रेनिंग के थ्रू बदल पाएंगे, और क्या हम अपने भारत को, मैं ये नहीं कहता विदेशों की जैसा, बट उनसे बेहतर भारत का निर्माण कर पाएंगे. सी बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है. एंड इसका आंसर है अगर ये नहीं होता तो मैं यूके छोड़ के इंडिया भी नहीं आता.
one liner answer is that, but I will explain why I am saying so. So there are so many factors that I consider kar raha tha, because I've taken a big risk of leaving my corporate job. I was doing very well and doing this for full time. Of course I've done my studies, and India is time pe duniya ka sabse युवा देश में से एक है, जो कि प्रगतिशील है, जिसके आगे बहुत ही स्वर्णिम काल है. जो एक चीज की कमी है, जहां पे कोचेस, ट्रेनर एंड मेंटर्स की जरूरत है, वो है युवा को डायरेक्शन देना, उनको बताना कि तुम्हें ये करना है और ये नहीं करना है, और इसको इस तरीके से कर सकते हैं, इसको और अच्छा करना है, और you have to be the best. There's no option for you to be the second best. You have to be the best. And for the young people to become the best, they need the best teachers, best mentors, best coaches in the world. Or this is your best point, sir. Correct. And I can remember if you know to Premananji Maharaj. Uh-huh. When I listens to death, I know all about the things I have listened, but when they says तुम्हारा मन कहेगा कि आलस करो, काम मत करो, पर यही वो समय है जब तुम्हें खुद पे नियंत्रण रखना है. And when I listen, I know all about this, I know behind the science of it, but when they says a new transformation comes to me, एक अंदर से एक इंस्पिरेशन आती है कि यार फिर से उठ खड़ा होना है. सो दैट इज़ द ग्रेट पॉइंट कि युवा को एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है ग्रेट मेंटोरशिप के थ्रू. ऑब्वियसली डेफिनेटली सर, क्योंकि जब तक मुझे किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होगा तो मैं कैसे उस चीज़ को करने से अपने आप को रोकूंगा, यू नो. सो दिस इज़ द ग्रेट पॉइंट सर, प्लीज़ कीप इट अप. पहली चीज़ ये है कि हमारा सबसे युवा देश है और उसको बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है. तीसरा, हमारा प्रगतिशील देश है, विच मीन्स दैट हम, अगर आप देखो लास्ट 5 to 10 years, वी हैव गॉन थ्रू सो मेनी थिंग्स. कोरोना हुआ, उसके पहले भी फाइनेंशियल क्राइसिस था, सो मेनी थिंग्स, राइट. बट वन ऑफ द मोस्ट रिजिलियंट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इज इंडियन इकोनॉमी. And I have to say that because I've been in West and I know we are most underrated economy, but the truth is that we are the 5th largest economy in the world and we are on our way to become 3rd largest economy within next 5 to 7 years, which means that there is so much more to be done. Third thing is, we need to go from economy which was जॉब सीकर्स इकोनॉमी, जहाँ पे सबको जॉब चाहिए, टू नाउ जॉब क्रिएटर्स इकोनॉमी, एंड विच मीन दैट देर इज लॉट ऑफ स्कोप टू डू लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स नीड टू कम अप, एंड दे हैव द मैन पावर दैट दे कैन यूज टू मेक सम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, बट दे ऑल्सो नीड समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच आई डेफिनेटली फील वी नीड टू इम्प्रूव एज अ नेशन इज, which is marketing and sales. मैं दुनिया के बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर गया हूँ, एंड वहाँ जाने के बाद मुझे लगा कि अरे बस यही था, बट बिकॉज उनकी मार्केटिंग इतनी अच्छी थी, आई हैव टू गो दैट प्लेस, बिकॉज मैंने कहीं सुना है तो मुझे जाना होगा. हमारे पास तो एक्चुअली आवर कंट्री इज सो डाइवर्स, वी हैव गॉट सो मेनी अमेजिंग रिसोर्सेज. वन ऑफ द थिंग्स वी लैक इज द मार्केटिंग, is the story that we are putting to the world. Agar humne apni stories better kar li, nobody can stop us. Nobody can stop us. We just have to better our stories. How we project ourselves, how we market ourselves, how we sell our product, services, our innovation to the world, there is no stopping for us. And that is why I was so excited, I am so excited, and I shifted back to India. Wow, wonderful. And we are going towards again and back towards the Vishwaguru Bharat. Absolutely.
एंड डेफिनेटली आई कैन फील टू इट बिकॉज व्हेन आई लुक टू मी, सो मुझे अपने आप में एक दैट इज नोन एज युग पुरुष बी कॉल्ड एज, या हम कहते हैं दैट इज अ ग्रेट क्रांतिकारी दैट विल इम्पैक्ट टू द वर्ल्ड. सो आई कैन फील, और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे और युवा हैं दैट कैन फील सेम, बट वी नीड टू सीक फॉर गाइडेंस, वी नीड राइट मेंटोरशिप एंड गाइडेंस दैट वी कैन गो थ्रू दैट. एंड डेफिनेटली सर, हम भारतवासी बहुत ही अच्छे हैं और इमोशंस में बहुत ही जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जस्ट बिकॉज कि हमने कभी भी मार्केटिंग में क्या होता है अपना आधिपत्य स्थापित करना, बट हमने कभी भी किसी चीज़ पे अपना आधिपत्य स्थापित नहीं किया, कभी भी हमने कोई कॉपीराइट नहीं लिया, कभी भी हमने किसी को अपने नाम से पेटेंट नहीं करवाया किसी भी चीज़ को. एज इफ यू नो कि नीम को भी जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो पेटेंट करवा चुके हैं. नाउ यू कैन थिंक हाउ इट्स पॉसिबल कि प्रकृति को ही आपने पेटेंट करवा लिया. यू नो दिस इज जस्ट बिकॉज दे कैन डू एज दे कैन, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं एंड दे विल इम्पोज टू ऑल दीज थिंग्स कि यही होगा, ऐसा ही होगा, हमने नीम को पेटेंट करवा लिया तो करवा ही लिया, राइट. बट जस्ट बिकॉज कि वी आर ऑल्सो फॉर टू गिव नॉट टू टेक, चाहे वो क्रेडिट ही क्यों ना हो, वी नेवर लुक फॉर क्रेडिट. I think we need to change that mindset. There is nothing wrong because we came from a generation. तो हमें कहा गया कि तुम्हें देना अच्छी बात है, लेना अच्छी बात नहीं है. We need to change that mindset. देना और लेना दोनों अच्छी बात है. There is nothing wrong in getting money for the services you provide, for the work that you do. And also, when you have money, then only you can do charity. Then only you can contribute. अगर आपके पास खुद ही पैसे नहीं है तो आप दूसरे को कैसे दोगे? So I think that money mindset also needs to change and other mindset as well. And I think this is where the coaches, trainers, the mentors are going to play a very crucial role in pointing out कि नहीं तुम्हारा ये mindset ये बदलने की ज़रूरत है, या तुम्हें ये नहीं ये करने की ज़रूरत है. This small tweaks leads to big changes. Definitely sir, जो आपने बात कही कि हम लेने में कतराते हैं, मतलब जैसे ही बात आती है कि मुझे किसी से पैसे मांगने जाना है या किसी से पैसे मांगने पड़ेंगे या पैसे लेने हैं, राइट, बी हेजिटेट टू इट, जैसे हम अपना नहीं किसी और का पैसा मांगने जा रहे हों. मतलब हम अपने ही पैसे के हक को मांगने में घबरा जाते हैं एंड कहीं ना कहीं, और जैसे हमने कोई चीज़ें पेटेंट नहीं करवाई, इसका कारण ये हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि आज हमारे पास कोई भी चीज़ रिकॉर्ड में नहीं है. वो जो किताबें थी जिनमें लिखा था उनमें लिखा था, जो फॉरेन गई वो जा चुकी हैं, जो कुछ है वो है, जस्ट बिकॉज कि अगर हम उन चीज़ों को पेटेंट करवाते तो वो चीज़ें सेफ रहती, राइट. मैं ये नहीं कहूँगा हर चीज़ पेटेंट करवाई जा सकती है, बट एटलीस्ट कि वो चीज़ हमने दी है दुनिया को, एंड ये बहुत अच्छी बात है. भारत देने की भावना रखता है और प्रकृति पे कभी भी किसी का आधिपत्य नहीं होता है, प्रकृति तो सबके लिए है, और यही भारतीयों की खूबसूरती है सर कि भारत भारत है. भारत कभी किसी देश का कंपैरिजन नहीं है, ना वो किसी से आगे है और ना वो किसी से पीछे है, वो अपने आप में एक यूनिक देश है. एंड नाउ वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लीड टू इट, make it better. Yes, absolutely, to make it better. And I have to say that we have to also accept ki haan, we have areas of improvement, not everything is good, right, because sometimes we are in rebel ki sab acha hai, no sab acha nahi hai, but this is where you have the area of improvement, so that is why you need to work upon, you need to improve. I should say we need to improve, we need to work upon, but that doesn't take away what all great things we have achieved. So we have to have pride in jo humne kar liya hai, but we also have to have that vision ki ha, jaise hamare Pradhan Mantri Modi ji bolte hain 2047 ka vision to make it a developed country. Yes, we are not yet developed, but we need to work towards it. That's so, only then this
डेफिनेटली वाह वंडरफुल कॉन्वर्सेशन सर विथ यू एंड मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ जब से मैंने ये बात सुनी है कि आप 100 किताबें पढ़ लें और एक व्यक्ति को सिर्फ 5 मिनट सुन लें तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी एंड दिस इज़ हैपनिंग विथ मी एंड फ्रॉम यू टुडे। ये हमारा पहला पॉडकास्ट है जो आज हम शूट कर रहे हैं एंड दिस विल बी अवर बेस्ट पॉडकास्ट एवर और फर्स्ट पॉडकास्ट है तो ऑलवेज याद रहेगा एंड वी विल ऑल्सो लुक फॉर अनदर एपिसोड टू रिकॉर्ड विथ यू ताकि हम आपकी और ज़्यादा जर्नी को एंड अगेन आई विल ट्राई टू कम फेस टू फेस एंड टू रिकॉर्ड द पॉडकास्ट डेफिनेटली वी विल लुक फॉर दैट। आई शुड से दैट कि विवेक आई हैव बीन सीइंग योर जर्नी एंड या आई कैन सी यू आर वन कंसिस्टेंट परफॉर्मर कंसिस्टेंट एक्शन टेकर। तो लॉट ऑफ पीपल कम एंड गो एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो स्टार्ट करते हैं and then they fizzle out and then they come and then half action is there but you have been constantly doing a lot of work so kudos to you keep doing the great job and I'm very sure this podcast is not about you or me this podcast is about the people who will listen this and I'm very sure you will keep bringing such amazing guests who will add a lot of value to the people's life so I wish you all the best and yeah let's plan for some more podcasts in future as well. Definitely, sir. Definitely. And thank you, sir. Thank you so much for coming here. And दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इस सेशन को जितना अच्छे से आप देख सकते हैं उतना देखें। हम लोग अपना अपना वीडियो भी बना सकते थे बट वीडियो में वो इन डेप्थ नहीं होती है थॉट्स की जस्ट बिकॉज कि हमारा माइंड शिफ्ट होता रहता है कि अभी आगे क्या बोलूँ आगे क्या बोलूँ बट कॉन्वर्सेशन इज समथिंग जो हमारे विचारों को लीड करता है एंड इफ़ यू आर लुकिंग टू दिस पॉडकास्ट इसको लाइक करें आप शेयर करें और लोगों के साथ में ताकि हमारी यंग जनरेशन को एक इंस्पिरेशन मिले आप और ज़्यादा सीखें ऑल्सो आप खुद अपनी एक स्टोरी बने ताकि दुनिया आपको पहचाने और हरितोष सर को आप सभी प्लेटफॉर्म्स के फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में आपको उनके यूट्यूब चैनल का लिंक इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक्डइन प्रोफाइल सारा कुछ अवेलेबल है आप वहां क्लिक करके वो सारी चीज़ें एक्सेस कर पाएंगे एंड अगर आप यू आर लुकिंग फॉर टेकिंग ट्रेनिंग्स ऑन द सेल्स और स्टोरी टेलिंग तो वो भी हमने डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हुई है कि आप उनकी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपको ट्रेनिंग लेनी है या जो भी आप उनसे बात करना चाहते हैं कुछ आपको डिस्कस करना है यू कैन डू दैट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू सर कि ये मेरा सौभाग्य है कि हमेशा मैं बहुत बोलता रहता हूँ बट आई एम स्टार्टेड टू बी साइलेंट मतलब टू बी अ ग्रेट लिसनर मतलब मैं भी बहुत अच्छा श्रोता बनना चाहता हूँ क्योंकि जब मैं सुनता हूँ सर वास्तव में मन को बहुत शांति मिलती है। बोलने में एक उतावलापन होता है लेकिन जब हम सुनते हैं तो मन को शांति मिलती है और जब आप जैसे लेजेंड्स को मिलते हैं और आप जैसे लेजेंड्स को सुनते हैं तो जो ज्ञान से जो शांति मिलती है ना वो वास्तव में पूरी तरह से इंस्पायरिंग होती है। जस्ट बिकॉज आप हम अभी ऑनलाइन कनेक्टेड हैं फिर भी वो वाइब्स यही हैं वो वाइब्स यही हैं भले आई एम कैसे भी हम कहीं भी किसी भी प्लेस पर है बट वो जो एक इंस्पिरेशन है अंदर से वो ज़रूर ज़रूर आती जाती है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्सपीरियंस एंड आपने अपना कीमती समय दिया आप उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर एंड फॉर थिंकिंग ऑफ मी। आई थिंक एक कोच एक स्पीकर के लिए सबसे बड़ी बात होती है जब उसको कोई अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाता है बोलने का मौका देता है। सो आई एम एक्चुअली ग्रेटफुल दैट यू थॉट अबाउट मी एंड यू इनवाइटेड मी एंड या आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर ये हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ आए और हमने इतना अच्छा पॉडकास्ट शूट किया एंड थैंक यू सो मच सर। और दोस्तों आपको इस पॉडकास्ट में सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं एंड वी आर ऑलवेज विथ यू। हमारे इंडिया को लीड करना वर्ल्ड क्लास बनाना हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड हरितोष सर ऑल्सो करेंटली इन इंडिया टू मेक इट हैपन।
So thank you so much, sir. Thank you so much, sir. I am grateful to you. Thank you so much, sir. Thank you so much.